तो बड़ी खुशखबरी है कि पहला कदम आपके पैसे को वापसी को लेकर उठा दिया गया है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है वाइस प्रेसिडेंट श्री अमरजीत सिंह जी का, जो पंजाब के ह्यूमन राइट्स संरक्षण संस्था के वाइस प्रेसिडेंट है। 1 या 2 तारीख बाद आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिल जाएगा पैसा वापसी के लिए, ये भी निश्चित है। पैसा आपके सामने पड़ा है, हाथ बढ़ाकर आपको उठाना है। अब इसमें आप कितना सहयोग करते हो? यदि विश्वास ना हो तो पीएसएल के मामले को सुप्रीम कोर्ट में रखने का कोई आधार नहीं होगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा आपके मैटर को, तब तक आप लोगों का पैसा मिलना बहुत मुश्किल है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी व्यूवर्स का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे का बैकग्राउंड कि आज मैं आउटडोर हूँ और अपने स्टूडियो से बाहर निकल करके मैं अपने खेतों पर आया था, और आज मैं आपको इसमें एक इम्पोर्टेंट खबर बताने वाला हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में 10 दिसंबर की तारीख थी, मगर वह चेंज हो चुकी है, बदल चुकी है, और अब पीएसएल की सुनवाई आपकी 3 दिसंबर को होने वाली है। तो ये भी एक खुशखबरी है कि जो 10 तारीख तक वेट कर रहे थे, 10 तारीख तक वेट नहीं करना पड़ेगा, 3 तारीख को सुनवाई है इसी सोमवार को। तो देखते हैं कि आखिर पीएसएल की सुनवाई में क्या इस बार लोढ़ा कमेटी प्रपोजल जमा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या फिर से सुब्रत भट्टाचार्य की जमानत याचिका पर सवाल उठेंगे। देखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट की 3 तारीख की जो सुनवाई डेट फाइनल हुई है। दोस्तों, हम आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर। आप अपने आप अपने मोबाइल से सुप्रीम कोर्ट की डेट देख सकते हैं। इसमें 30 नवंबर की डेट थी और अब क्या डेट हुई है वो हम आपको बता देते हैं। अभी आपने एक दो वीडियो देखी होगी तो उसमें 10 दिसंबर की डेट बताई जा रही थी, और ये बिल्कुल सच था कि 10 दिसंबर को ही सुनवाई की डेट क्लियर हुई थी, मगर ये डेट बदल दी गई है और साइट पर भी आ चुकी है। वो देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाइए और केस इंफॉर्मेशन पर जाइए। यहाँ पर आपको एक इस तरह का डायरी नंबर मांगेगा केस इंफॉर्मेशन पे, यहाँ पर 34668 आप डायरी नंबर भरिए और 2015 ईयर कीजिए और सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करोगे तो आप देखिए कि सुब्रत भट्टाचार्य वर्सेस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इस तरह की ये आएगी। ये सुब्रत भट्टाचार्य वाली डायरी नंबर है जो 35152 होती है, जिसमें हम पीएसएल की सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो तारीख आती थी वह देखते थे, वह अब अपडेट नहीं है। इसी नंबर से अब पता चलता है कि पीएसएल की सुप्रीम कोर्ट में कौन सी तारीख लगी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 12/10/2015 नंबर 34668/2015, नीचे प्रेजेंट लास्ट लिस्टेड डेट 3/12/2018, ऑनरेबल जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मिस्टर साहा, कॉलम नंबर 63। ये आप देख सकते हो यहाँ पर 3 दिसंबर की डेट लगी है, और स्टेटस में आप देख सकते हो आफ्टर नोटिस फॉर एडमिशन सिविल केसेस लिस्ट ऑन डेट 3/12/2018, ऑर्डर डेट 30/11/2018, यानी कि 30/11 में जो सुनवाई थी उसमें ऑर्डर हुआ था 3 तारीख की सुनवाई का। तो ये सुनवाई सोमवार में होगी, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये सुब्रत भट्टाचार्य जी की जो जमानत दी गई थी 10 दिसंबर तक आगे बढ़ा दी गई थी जमानत, और उन्हें कहा गया था दिल्ली से बाहर नहीं जाना है। तो अब देखते हैं कि क्या इस 3 तारीख को पीएसएल की कुछ अलग से सुनवाई होती है, क्या लोढ़ा कमेटी की तरफ से कोई प्रपोजल रखे जाते हैं, प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं या नहीं दिए जाते हैं, तो क्या होगा इस 3 तारीख को। वैसे ये खुशखबरी भी मान सकते हैं क्योंकि डेट बहुत लंबी लंबी लगाई जा रही थी, मगर अब 2-3 दिन की गैप की डेट लग रही है, तो ये अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये थी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट। और हम आपको इस वीडियो में एक बहुत जरूरी बात बताने वाले हैं। अभी आपने हमारी वीडियो देखी थी जिसमें 2 रास्ते आपके पैसे को वापसी पाने के लिए बताए गए थे। पहला रास्ता संगठन के द्वारा था, जो भारत सरकार पर दबाव बनाने के बाद लोढ़ा कमेटी को मजबूर करना था, ये इनडायरेक्टली रास्ता था आपके पैसे को वापसी पाने के लिए, मगर इसमें लंबा समय लगना है। दूसरा रास्ता था कि हम डायरेक्ट लोढ़ा कमेटी को मजबूर करें और सुप्रीम कोर्ट से
आग्रह करें या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऐसा कुछ दबाव बनाए अपने वकीलों द्वारा जिससे कि लोढ़ा कमेटी प्रपोजल जमा करने को मजबूर हो जाए और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपके पैसे को वापसी देने का हो जाए। तो ये बेस्ट ऑफर था, आप लोगों के कमेंट्स से आए हैं, ये बेस्ट रास्ता था और आप लोगों ने भी स्वीकार किया है कि ये ही बेस्ट रास्ता है, ना कि हम इधर उधर चक्कर काटते रहें। उससे अच्छा है कि हम वकील के द्वारा प्रपोजल को जमा कराने की बात रखें। मगर दोस्तों आप सब जानते होंगे पीएसएल सुनवाई में वकील हमारा नहीं है, इन्वेस्टर्स की तरफ से कोई भी वकील आज तक नहीं रखा गया है। सेबी के वकील लड़ रहे हैं और पीएसएल मैनेजमेंट के वकील लड़ रहे हैं जो आपस में मिले हुए हैं। कभी डेट ज्यादा लंबी लगा दी जाती है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप लोगों का पैसा मिले या ना मिले। अब इसका एक सॉल्यूशन हमने बताया था कि आप लोगों को अपना एक वकील खड़ा करना होगा, जिसकी प्रक्रिया चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरी कर ली है। ये काम हुआ है श्री अमरजीत सिंह जी, जो पंजाब के ह्यूमन राइट संरक्षण संस्था के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी मदद से, उन्हीं के वरिष्ठ वकीलों द्वारा अब एक बड़ा वकील हायर किया जाएगा जिसमें इन्वेस्टर्स के तरफ से जो लोढ़ा कमेटी के पास प्रपोजल आए रखे हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने के लिए। सबसे बड़ा चुनौती यही है कि अभी तक आपका कोई वकील सुप्रीम कोर्ट में नहीं है जो आपकी तरफ से बात रख सके, और यही कारण है कि 4 साल हो चुके आप लोगों को परेशान होते हुए मगर अभी तक आपका 1 रुपया भी वापस नहीं मिला। और जब तक नहीं मिलेगा, जब तक आप लोग लीगली अपना वकील वहां पर खड़ा नहीं कर देते, तो इसकी पहल चंद्रशेखर आजाद जी ने कर दी है। जो जो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि चंद्रशेखर आजाद जी दिसंबर को दिल्ली पहुंच जाएंगे और दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में होंगे और वकील से जो भी वार्ता होगी करेंगे और वकील को हायर करेंगे अपना मैटर सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने रखने के लिए, और तभी आप लोगों का प्रपोजल वहां पर जमा होगा, लोढ़ा कमेटी के ऊपर दबाव बनाया जाएगा जिसकी प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। अब इसमें हमने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि जो जो सहयोग देना चाहते हो आगे आओ, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी भी हम और आपकी तरह एक इंसान है, उनके भी फैमिली है, उन्हें क्या पड़ी है कि आप 5,15,01,036 निवेशकों के लिए अपनी जेब से पैसा खर्च करें। वे एक पहल कर रहे हैं, वे एक रास्ता दिखा रहे हैं, मगर उन्होंने फिर भी किसी को ये नहीं कहा कि हमें 1 रुपया दो, हमें सहयोग करो। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा दिल है, वे वकील हायर करने के लिए जा रहे हैं और अपनी जेब से पैसा देने के लिए तैयार है, मगर वे चाहते हैं कि गरीब निवेशकों के साथ न्याय हो। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो या नहीं कि आपका पैसा वापसी मिले? यदि आप वाकई नहीं चाहते हो आपका पैसा वापसी मिले तो आपको चंद्रशेखर आजाद जी की मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। वो हेल्प हमने आपको बताई थी कि पूरी प्रक्रिया को पता चल जाएगी, किस तरह वकील हायर हो रहा है, कितनी फीस लेगा और क्या क्या वह इस केस में करेगा। मैं भी वहां पर जा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में इन्वाइट किया गया है तो मैं भी जा रहा हूँ। मैं आपको वीडियो भी चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात भी कराऊंगा और अपनी कोई सवाल हो पूछ सकता है आपको, मैं वहीं पर चंद्रशेखर आजाद जी से भी मिलवा दूंगा और साथ में जो भी वकील हुआ उसकी फीस भी पता चल जाएगी। कुछ आप लोगों को विश्वास भी हो जाएगा कि कितना पैसा वकील ले रहा है। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है वकील को हायर करना, तभी आप लोग जीत सकते हो, तभी आप लोगों का पैसा वापसी हो सकता है, वरना ऐसे ही दर बदर की ठोकरें आप लोगों को खानी पड़ेगी। तो हमने 10 रुपये से स्टार्ट किया था और अपनी काबिलियत के हिसाब से जिस पर जितना हो सकता है उतना आप दे सकते हो। आप अपने जिले से, अपने शहरों से, अपने गांवों से रिसिप्ट दिखा दी जाएगी, वकील से बात करा दी जाएगी, कितना पैसा लग रहा है, सब कुछ होगा। जो इच्छुक हो, जो चाहता है कि पैसा वापसी मिले, क्योंकि स्टार्टिंग उन्होंने कर दिया, अब आगे बढ़ाने का काम आप लोगों का है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि मैं भी जा रहा हूँ और आप लोगों के साथ एक मीटिंग हो जाएगी हमारी भी, हम आपके लिए एक वीडियो भी बना देंगे, आप लोगों को साथ में रख करके एक वीडियो बना देंगे जिसमें पूरे देश को संदेश मिलेगा कि हाँ कोई तो आगे आया है लीगल कार्य करने के लिए, पीएसएल का पैसा वापसी कराने के लिए। तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में लिखे अपना मोबाइल नंबर दे, मैं उन्हें अपना एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा। जो भी पूरी प्रक्रिया होगी, आगे की प्रक्रिया वहीं पर हो जाएगी। ये तो पहल है, बड़ी खुशखबरी है कि चंद्रशेखर आजाद जी पंजाब से आ रहे हैं स्पेशल,
आप लोगों के पैसा वापसी कराने के लिए, दिल्ली में वकील हायर करने के लिए, क्योंकि पिछले 4 साल से जो हमारी हालत हो रही है सिर्फ इसी कारण हो रही है कि हमारी बात रखने वाला सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। वरना आप लोग घर बैठे हुए कमेंट्स करते रहो पैसा कब मिलेगा, पैसा कब मिलेगा, ऐसे पैसा नहीं मिलने वाला। पैसा जब मिलेगा, जब आप लीगली कार्य करोगे, जब आप आगे बढ़ोगे। शुरुआत हो चुकी है, बढ़ने ना बढ़ने का काम आपका है। स्टार्टिंग हो जाएगी, प्रपोजल के लिए दबाव बनाया जाएगा लोढ़ा कमेटी पर। लोढ़ा कमेटी हर हाल में मजबूर होगी सुप्रीम कोर्ट में प्रपोजल जमा करने के लिए। एक बात ध्यान रखिएगा, जिस दिन लोढ़ा कमेटी ने प्रपोजल जमा कर दिया उसकी 1 या 2 तारीख बाद आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिल जाएगा पैसा वापसी के लिए, ये भी निश्चित है। पैसा आपके सामने पड़ा है, हाथ बढ़ाकर आपको उठाना है। अब इसमें आप कितना सहयोग करते हो अपने कमेंट्स कीजिए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे। तो धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो नीचे वीडियो के एक इस तरह का थम्स का निशान होगा उसे जरूर दबा दीजिए। इससे मैं आपके लिए नई नई वीडियो बना करके लाता हूँ, हमें हौसला मिलता है। वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन होगा जिस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे भी दबा दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और जो भी हमारी वीडियो अपलोड होगी वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। बराबर में घंटे का निशान होगा उसे दबा दीजिए, ये नोटिफिकेशन का चिन्ह है जो आपको सूचना देता है कि वीडियो अपलोड हुई है और आप तक पहुंच जाएगी। ये बिल्कुल फ्री प्रोसीजर है, आप इसे कर सकते हो। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए।